belong to BLED, third year students. कैसा रहा, कैसा लगा आपको परफॉर्मेंस, आपने परफॉर्मेंस देखा? It was amazing. It was so heart touching, heartwarming. I'm also myself an artist. I'm a Kathak dancer. I've professionally completed my diploma, but I never realized how hard it for me. It was very easy. I joined Kathakala Kendra. I got my degree, but I never realized how hard the hardships, you know, other artists face to keep this form alive. So yeah, it was a very different experience, and it's just, you know, motivated me more to do more for my art form. What about the feelings? What kind of feelings are coming? फीलिंग्स जैसा हमने प्ले में देखा कि मतलब हम आउट ऑफ कंट्री कुछ भी देख लेते हैं वो हम बहुत जल्दी से एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट जो हमारे ट्रेडिशन में, जो हमारी कल्चर में है, हम उसे काफ़ी हल्का लेते हैं कि ये तो हर कोई कर लेता है, ये तो आम बात है. बट आज हमने प्ले में देखा कि नहीं, ये आर्ट है और मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए. सो मेरे को ये लगा कि जैसे जो भी बाहर जाते हैं, जैसे कि हम सोचते हैं कि जो भी बाहर कंट्रीज़ में जाता है परफॉर्म करता है तो वो या तो रिच होगा, उसके पास बहुत पैसा होगा क्योंकि वो कमा के आते होंगे. बट आज मेरे को ऐसा पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं होता. वहाँ से भी मतलब जो भी वो कमाते हैं तो वो अपने बाकी जो उनके फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो उनकी भी हेल्प करते हैं. एंड मतलब वो इतने रिच नहीं होते और उनको भी कोई फंड करता है. What about the laws regarding performing arts? जिसके बारे में बात की है पूरे performance में, laws जो हैं. It's actually really sad to see this. I mean, people outside, people who don't even understand how the origination has happened, how this art form is in reality, you know, appreciate this way more than our own people do. And जिस तरीके से सेंसरशिप दिखाया गया थ्रू द प्ले, आई डिड नॉट इवन फॉर अ मोमेंट आई डिड नॉट स्ट्राइक ही एग्जैक्टली व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट. आई थॉट मे बी समथिंग वाज रिलेटेड टू द कॉलोनियल एरिया, कॉलोनियल एरा, एंड वो अब तो कंटिन्यू हुआ. बट देन आई रियलाइज इट्स सेंसरशिप, राइट? एंड दैट स्टिल हैपन. एंड द पॉइंट ऑफ आर्ट इज दैट यू एक्सप्रेस वॉट यू फील, यू डोंट नीड इट सेंसर. बट या आई मीन इट्स अ बैड सिचुएशन. आपको इन लॉज के बारे में पता था पहले? नो एक्चुअली सो मतलब मेरे लिए एक ये डीपली कनेक्शन था, जो भी वो लोग कर रहे थे वो एक डीप कनेक्शन था और एक अलग एक्सपीरियंस भी था. नो मैं खुद एज अ पर्सन आई वाज आल्सो लाइक नेगलेक्टिंग दोज थिंग्स कि मतलब मदारी है, मदारी का खेल है, सड़कों पर बहुत बार देखा है मदारी का खेल है, या वो जानवरों को यूज़ कर रहे हैं. मतलब ये नहीं देखते थे कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर है, इंडियन कल्चर है, वो नहीं देखते. नहीं, ये तो ऐसी सड़कों पर होता है, तो इस तरीके की मेंटालिटी थी. तो टुडे सेशन वाज रियली एन आई ओपनर. एंड जिस तरीके से हम लोग एक वेस्टर्न कल्चर को जितना फॉलो कर रहे हैं तो उसको फॉलो करते करते इतना अंधे हो गए हैं कि अपने ही कल्चर को भूल गए हैं. सो दिस इज़ रियली मतलब हार्ट ब्रेकिंग. सो लास्ट तक तो आई वॉज लाइक कि almost in tears. ऐसा कौन सा मोमेंट था जिसने आपको almost in tears ला दिया? जो स्टोरी थी उन्होंने जो बताई थी उनकी, कि जब वो दुबई गए और दुबई से वापस यहाँ पर इंडिया में आते वक्त जब उनका बैग चेक हुआ तो जब पता चला कि वो मेटल्स के गोले हैं, और उनका जो रिएक्शन था, कहीं ना कहीं हम लोग फनी भी सोच रहे थे लेकिन कहीं ना कहीं वो डीपली यू नो एक सिंपथी हो रही थी उनसे. एक वैसे हो रहा था कि एक आई ओपनर था कि लाइक वहाँ पे तो इंडियन कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं बाहर कंट्री में, और हम खुद इंडियंस होकर अपने इंडियन कल्चर को बढ़ावा नहीं दे रहे. बढ़ावा क्या, हमें तो पता ही नहीं है कल्चर. यू मीन परफॉर्मेंसेस, कल्चर. सो हमें तो दिस इज रियली आयरोनिकल कि हमें खुद पता भी नहीं है. एंड इवन इट्स मोर सैड दैट वन फॉर्म, जस्ट बिकॉज यू नो देयर मोर पीपल परफॉर्मिंग इट, जस्ट बिकॉज इट हैज more people doing it, people are supporting it, that is, you know, being glorified everywhere. But like humne suna ki ye communities choti hoti hai, there are not a lot of people who do this form, and it does not have a lot of political backup also. It's slowly, after a while it will vanish if people stop doing it, and we'll be the ones at loss because it's our heritage, it's our, you know, cultural performance era, and it's going to be really sad if that aap happens. Log kya kar sakte hain fir isko preserve karne ke liye, bachane ke liye, jo aapne performance dekha, jo laws ke bare mein baat hui, usko aap k-
कैसे लोगों तक पहुँचा सकते हैं? आपको अब पता चल गया है, आप आगे तक कैसे पहुँचाएंगे? What we can do is be more empathetic, at least you know, because हम भी कोई किसी यू नो टीचर प्रोफेशन में है, हम टीचर बनने वाले हैं, हमने बहुत मेहनत करी है, 15 साल हो गए हैं नो स्कूलिंग के एंड देन कॉलेज नो सो बहुत मेहनत करी है, सो वी शुड बी एम्पैथेटिक कि वो भी कितनी मेहनत करे, उन्हें भी 15 साल लगे हैं वो उस आर्ट को अपनाने में. सो इट इज़ ऑल पॉलिटिकल खेल, लाइक कहीं जो पॉलिसी मेकर्स हैं कहीं ना कहीं, मतलब कहीं तो इंस्टीट्यूशंस बना दिए गए हैं आर्ट एंड कल्चर के लिए, वहाँ पे म्यूज़िक और डांस कुछ भरतनाट्यम या कुछ ऐसे ऐसे करके काफ़ी कल्चर्स को वहाँ पे तो मान्यता दे दी गई है, पर ऐसे कुछ जो ट्रेडिशनल जो कुछ फॉर्म्स हैं, आर्ट फॉर्म्स हैं, वहाँ पे उनको मान्यता नहीं दी गई है, जस्ट बिकॉज दे डोंट हैव स्क्रिप्ट्स और जस्ट बिकॉज वो फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, तो दैट इज़ रियली प्रॉब्लमैटिक. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सॉरी, मैं तुम लोग खाना खा रहे हो मुझे पता है. सॉरी. हेलो, मेरा नाम शौर्य है, मैं श्रीराम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स में एक्टिंग का स्टूडेंट हूँ, और ये लोग सभी अमित, प्रियंका, श्रेया, संदीप, उत्कर्ष, राजेश, ये सब हम इस शो को देखने आए थे स्पेसिफिकली, और काफ़ी अच्छा लगा. ओके, शो ख़त्म होने के बाद पहला रिएक्शन क्या था आपका, क्या इमोशंस आए या क्या किस तरह की फीलिंग्स आई? पर्सनली मेरा, मुझे लगता था बहुत ही इंट्रोस्पेक्टिव काइंड ऑफ मूड में था मैं, कि पूरी जर्नी को ग्रास्प करना कि कहाँ से हुआ था, बिकॉज बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो पता नहीं थी, तो उनके बारे में जानना, उनको रिटेन करना, और क्वेश्चंस बन रहे थे कि अच्छा तब क्या हुआ होगा, तब क्या हुआ होगा, जो मैं शायद मैम से बाद में डिस्कस करना चाहूँगा. मेरा पर्सनली बहुत इंट्रोस्पेक्टिव मूड में था मैं. ख़त्म होने के बाद फर्स्ट चीज़ थी, मैं थोड़ा इमोशनल था, क्योंकि जिस तरह से वो पोर्ट्रे किया गया था, और फिर क्वेश्चंस भी हमने पूछे जो उन्होंने आंसर्स दिया, अपना स्ट्रगल का पूरा जर्नी बताया, तो थोड़ा मैं इमोशनल था, और बुरा भी लग रहा था कि हम अनअवेयर हैं अपने कंट्री की आर्ट फॉर्म्स हैं उसके बारे में भी, और मैं जानना चाहता था और कि इसको कैसे प्रमोट किया जाए और कैसे हम हेल्प कर सकते हैं. तो मैं उसी टाइम प्ले के बाद उनसे बात करने गया कि कैसे हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस आर्ट को लेकर. एक्ट के बाद में बहुत कंसर्न था इनको लेके, जो उन्होंने सब इश्यूज़ बताए अपने को लेके, कंसर्न मेरा साथ में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कहीं सिस्टम गलत है, हम गलत हैं, कहाँ गलती है, तो ये सब मैंने डिस्कस भी किया आसपास लोगों से. मुझे जिस तरीके से उन्होंने बोला कि वो जाते हैं विदेश शो करने जाते हैं, वो वहाँ से आते हैं, वहाँ आने के बाद भी वो स्लम में रहते हैं, तो ये सुन के मुझे बहुत लगा कि मतलब जब विदेश शो करने जाते हैं तब भी अभी भी स्लम में रह रहे हैं, फिर लेकिन उसके बाद उन्होंने इस बात को बताया कि उनके साथ समस्या क्या है कि अभी वहाँ तक रह रहे हैं और क्या क्या चीज़ें झेलते हैं फिर भी परफॉर्म करते हैं, तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी कि क्या देख रहे हैं और उनके पीछे क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, तो ये देख के मुझे थोड़ा सा लगा कि क्या मतलब परफॉर्म करना और आप जाके क्या झेलते हो बड़ा ही मुश्किल चीज़ है. तो जो परफॉर्मेंस जिस ऑपरेशन की बात करती है, क्या उस ऑपरेशन के बारे में आपको पहले से पता था, जैसे कि जो परफॉर्मिंग आर्ट एक्ट्स हैं जो आजकल आज भी एग्जिस्ट करते हैं, उन एक्ट्स के बारे में पता है क्योंकि आप लोग भी आर्टिस्ट हो या वन भी आर्टिस्ट हो, परफॉर्म करते हो तो उन जो लॉज हैं, जो एक्ट्स हैं, क्या उनके बारे में पहले पता था? नहीं, उसके बारे में इतना तो पता नहीं था हमें. हमने मतलब पढ़ने के लिए ज़्यादातर फोक थिएटर पढ़ा हुआ था कि फोक थिएटर क्या है, फोक क्या है, तो हमने उस चीज़ों पे ही ध्यान दिया, बट ये चीज़ें जो है ट्राइब्स के बारे में उतनी चीज़ें पता नहीं थी कि जो चीज़ें होती हैं जिन्हें इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, तो इन चीज़ों के बारे में इतना आइडिया नहीं था हमें, आज देख के पता चला. नहीं, मैं एक्ट के बारे में पूछा क्योंकि वो एक्ट थिएटर पे भी लागू होता है, जो आप सीख रहे हो उस पे भी लागू होता है कि आप एक पर्टिकुलर प्ले नहीं दिखा, चाहे वो ऑडिटोरियम में कर रहे हो आप, चाहे वो सड़क पे कर रहे हो, कहीं भी कर रहे हो. आई डोंट नो, आपको पता है कि नहीं पता है, रिसेंटली गांधी के ऊपर. हेलो फ्रेंड्स,
That's all for today. If you have not subscribed my channel yet, please subscribe it now. And do not forget to comment and the likes. Your comment and likes give us courage to make more videos. It's not only for me, for my entire team. And please do not forget to send me your financial support. It's very difficult to make videos continuously without financial support. No matter it's a big amount or a small. Even your very small amount can make very big difference. I'm waiting for your final support and getting more and more subscribers. Thank you. See you till next week.